दर्शाती मूर्तियों का यह वीडियो चार वीडियो की एक कड़ी है। इन चारों वीडियो में हमने खजुराहो की कामसूत्र आसन को दर्शाती हुई मूर्तियों का बेहद पास से वीडियो बनाया है। इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने खजुराहो घूम लिया हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन चारों वीडियो को देखें और अपनी भारतीय संस्कृति को पहचाने। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को पूरे देश में आग की तरह फैलाएं, व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर हर भारतवासी तक पहुंचेगी और हर हिंदुस्तानी को यह वीडियो दिखेगा। तो स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। आप अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब आप उनके महत्व को समझेंगे। हमारी सिर्फ भारत ही एक ऐसी संस्कृति है जहां कामसूत्र जैसी किताब लिखी गई। भारतीय आध्यात्मिकता में संभोग को भी मोक्ष का एक रास्ता माना जाता रहा। पर्शियन इतिहासकार रिहन अल बियूनी ने महमूद गजनी ने 1022 में कलिंगर पर किए आक्रमण का वर्णन किया है। उसने खजुराहो को जजहूती की राजधानी बताया। गजनी का ये धावा असफल रहा क्योंकि हिंदू राजा महमूद गजनी को फिरौती देने को भी राजी हो गए थे। 12वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर काफी सक्रिय थे। खजुराहो स्मारकों में बदलाव 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद हुआ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण करके चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था। इसकी एक शताब्दी के बाद ही इब्न बतूता मोरकन यात्री तकरीबन 1335 से 1342 तक भारत रुका और उसने अपने लेखों में खजुराहो को कजरा कहते हुए कहा कि मध्य भारतीय क्षेत्र में खजुराहो मंदिर में 13 से 18वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस काल में बहुत से मंदिर का अपमान कर फिर से मध्य भारतीय क्षेत्र में खजुराहो मंदिर 13 से 18वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस काल में बहुत से मंदिरों का अपमान कर उन्हें नष्ट भी किया गया था। उदाहरण के लिए 1495 में सिकंदर लोदी ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर खजुराहो मंदिरों का विनाश किया था, लेकिन बाद में हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों ने एकत्रित होकर खजुराहो मंदिर की सुरक्षा की। लेकिन जैसे जैसे सदियां बदलती गई वैसे वैसे वनस्पति और जंगलों का भी विकास होता गया और खजुराहो के मंदिर भी सुरक्षित हो गए। 1830 में स्थानिक हिंदुओं ने ब्रिटिश सर्वेक्षक टीएस बर्ड को मार्गदर्शित किया, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया कि खजुराहो मंदिरों का ज्यादातर उपयोग हिंदू योगी ही करते थे और हजारों हिंदू जैन धर्म के लोग शिवरात्रि मनाने फरवरी और मार्च के महीने में हर साल आते थे। 1852 में मैसी ने खजुराहो मंदिरों की कलाकृति भी बनवाई। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर के शासन का 1003 से 1035 में किया गया। साम्राज्य में उनके शासनकाल में भगवान विष्णु शिव सूर्य और शक्ति के बहुत से हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया और साथ ही जैन धर्म के तीर्थकारों का भी निर्माण किया गया। मुस्लिम इतिहासकार इब्न अल अथीर में विद्याधर को बीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर की स्थापना करवाई थी। वे एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने 1019 में गजनी के महमूद को पहले युद्ध में पराजित किया था, लेकिन ये युद्ध निर्णयात्मक साबित हो सका और महमूद को गजनी वापस जाना पड़ा। इसके बाद 1022 में महमूद ने पुनः विद्याधर के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस बार उसने कलिंगर के किले पर आक्रमण किया था, लेकिन किले के चारों तरफ से घेराबंदी करने में वो असफल रहा।
लेकिन युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद ही महमूद और विद्याधर ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। इसके बाद विद्याधर ने महमूद और दूसरे शासकों पर मिली जीत का जश्न मनाते हुए कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर में मंडप पर लिखे एपिग्राफिक शिलालेखों में इसके निर्माता का नाम विरिमदा लिखा गया है, जो शासक विद्याधर का ही उपनाम था। सूत्रों के अनुसार इसका निर्माण 1025 और 1050 के बीच किया गया था। भारतीय आध्यात्मिकता में संभोग को भी मोक्ष का एक रास्ता माना जाता रहा है। खजुराहो की नग्न काम क्रीड़ा में लिप्त मूर्तियों को देखने से पहले आप अपने मन से संभोग के प्रति हीन भावना को निकाल दीजिए। कामुकता पवित्र है, आखिर आपका जन्म भी कामुकता के कारण ही हुआ है। हम ऐसे देश के वासी हैं जहां एक योगी ने, जिसने अपने जीवन में कभी संभोग नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान से कामसूत्र की किताब लिख दी। कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो इसकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। खजुराहो एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ मंदिरों के गांव के रूप में भी विख्यात है। यहां के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें मध्य भारत के चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था। चंदेल राजाओं ने 9वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यहां राज किया था। वर्तमान में प्राचीन 85 मंदिरों में से मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजुराहो के बारे में सबसे खास बात ये इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में अनेक मंदिर हैं। ये सभी मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित हैं। सभी मंदिर की बाहरी दीवारों पर स्त्री और पुरुष की संभोग क्रिया में लिप्त मूर्तियां बनी हुई हैं। गौर से देखने पर बीच बीच में विष्णु जी और शिव जी के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इन मंदिरों के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है कि आप सबसे पहले मंदिर के चारों ओर घूमकर सभी काम क्रीड़ा में लिप्त और प्रेम आलिंगन करती हुई मूर्तियों को देखें, और जब आपका मन भर जाए तब मंदिर के गर्भगृह में घुसें और भगवान के दर्शन करें। कंदारिया महादेव मंदिर। कामसूत्र में वर्णित अष्ट मैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में नहीं हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदरिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल पुष्प, नृत्य मग्न अप्सराएं तथा व्याल आदि बने हैं। सरदल पर शिव की चारमुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा और विष्णु भी विराजमान हैं। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती हैं। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन और चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ संभोग मुद्रा में नजर आता है। प्रवेश द्वार पर एक मूर्ति में राजा चंद्र वर्मन को सिंह से लड़ते दर्शाया गया है। यह दृश्य चंदेलों का राजकीय चिन्ह बन गया था। लगभग सभी मंदिरों की दीवारों पर कहीं कहीं एकल तो कहीं कहीं सामूहिक संभोग करती मूर्तियां वात्सायन के कामसूत्र में वर्णित और चित्रित संभोग के अनेक आसनों का बोध कराती हैं। सामूहिक मैथुन के दृश्य तो दर्शकों के मन में एक अलग तरह का कौतूहल पैदा करते ही हैं, किंतु पशु मैथुन के गिने चुने दृश्यों का रहस्य समझ से परे है। खजुराहो मंदिर चंद्रवंशियों द्वारा बनवाया गया। ये लोग चंद्रमा के उपासक होते थे। चंद्रमा और देखना चाहिए। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप इस जगह को पूर्णिमा की रात को देख सकें, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ के पत्थरों में जादू नजर आएगा। यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ का शिल्प
सब कुछ आपको असाधारण लगेगा। जिस तरह से इसे बनाया गया है यह वाकई जादुई एहसास देगा। हमारी संस्कृति ने लज्जा का दिखावा करना कभी नहीं जाना। खास तौर पर चंद्रवंशियों ने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। अगर गुफा में रहने वाले मानव ने इसे त्याग दिया होता तो आज हम नहीं होते। यह हमेशा से है और रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह आपकी चेतना पर हावी हो जाए। अगर यह चेतना पर शासन करने लगेगी तो आप एक ऐसे मजबूर प्राणी बन जाएंगे कि आपके और किसी जानवर के बीच कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। आप महज एक जैविक प्रक्रिया बन जाएंगे। आपके भीतर किसी और चीज का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। कामुकता और भौतिकता को कम करें। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद आपकी भौतिकता कम हो जाती है, इसलिए हर मंदिर में ठंडे पानी का एक सरोवर होता है जिससे कि आप उसमें डुबकी लगा सकें और मंदिर में जाने से पहले आपके भीतर की भौतिकता हल्की हो जाए और वहां आप कुछ खास तरह के अनुभव कर सकें। खजुराहो एक और बात दर्शा रहा है कि कामुकता केवल बाहर होती है। प्रवेश करने से पहले आपको अपनी कामुकता को, अपनी भौतिकता को नीचे लाना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप बस मुंह बाएं देखते रह जाएंगे। मंदिर को आपके विकास और बेहतरी के लिए एक पूरी प्रक्रिया से बनाया गया है। जब आप बाहरी घेरे में जाते हैं तो आपकी सारी बंद करके बैठ भी गए तो भी आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। आप अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को तभी संभाल पाएंगे जब आप उनके महत्व को समझेंगे। हमारी संस्कृति बाकी संस्कृतियों से कैसे बेहतर है जब हम इसे जानेंगे